ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. तूफान से हुए नुकसान के बाद वापस सेट लेकर आ रहे हैं आदित्य चोपड़ा एंड टीम। आदित्य चोपड़ा निर्माता की किस खबर से मिली दर्शकों को महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्ट्री को राहत? क्या नहीं होंगे फिल्म की आउटडोर शूटिंग? कैसे लिए जाएंगे इंटरनेशनल सीन्स के शूट? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट कम दोस्त अमिता पाठक, लेकर आई हूँ टाइगर फ्रेंचाइजी और सलमान खान के फैंस के लिए गुड न्यूज। जी हाँ, टाइगर 3 शूट शुरू करने के लिए वापस से मूड में आ चुकी है। नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुए डैमेज के बाद फिल्म की शूट होल्ड पर कर दी गई थी। पिछले 3 महीनों में टाइगर 3 से जुड़ी हर खबर पर हर कोई शांत रहा, क्योंकि राज्य में दूसरे लॉकडाउन के कारण अप्रैल के बीच में फिल्म की शूटिंग अचानक रोक दी गई थी। मगर इसी दौरान महाराष्ट्र व गुजरात में आए साइक्लोन की वजह से टाइगर 3 की सेट ही नष्ट हो गया। नेचुरली डैमेज सेट की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा था कि फिल्म अब इतनी जल्दी तो रिज्यूम नहीं हो सकेगी। मगर जल्दी निर्माता आदित्य चोपड़ा के निर्देशों के अनुसार ताउते के कारण पार्शियली नष्ट हो जाने के बाद कोरेगांव में SRPF ग्राउंड की सेट को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि सेट को चोपड़ा साहब ने डिसमेंटल क्यों कर दिया? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सेट की हालत ना तो शूट करने लायक रह गई थी और ना ही वापस से रिनोवेट करने लायक। इसलिए बेहतर ऑप्शन जानकर आदित्य ने सेट को पूरी तरह से खत्म करवा दिया और एक नया सेट झटपट तैयार करवाया अंधेरी में। काफी लंबे समय से सलमान खान और कैटरीना कैफ बड़े बजट की जासूसी थ्रिलर में लौटने के लिए पेशेंटली अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब जब फाइनली फिल्म को एक शूटिंग स्पॉट मिल चुका है तो जाहिर है कि दोनों ही एक्टर्स बेहद एक्साइटेड हैं। शूट रिज्यूम करने की खबर के साथ ही चोपड़ा ने ये जानकारी देकर राहत दी है कि पूरे दल को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज मिल गई है। टीम 23 जुलाई से काम शुरू करने वाली है। उन्हें सभी प्रिकॉशन लेने के बाद ही शूट शुरू करने की बात भी कही। अंधेरी में शूट शुरू तो कर दी जाएगी, मगर फिल्म के बड़े पर्दे पर आने की उम्मीद अभी कम है। जल्दी ना आ पाने की सबसे पहली वजह है फिल्म के लिए रिक्वायर्ड इंटरनेशनल सीन्स। जी, टाइगर फ्रेंचाइजी की हर मूवी की आधी से ज्यादा शूटिंग आउटडोर होती है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में। मगर इस तरह के पैंडेमिक की सिचुएशन में कई कंट्रीज ने इंडिया से आने वाले पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में टाइगर 3 के मेकर्स ने कंफर्मेशन दिया है कि इंटरनेशनल पार्ट अगस्त तक कवर किया जाएगा। जब तक 1.5 महीने के अंतराल में कोशिश है कि सारे रिक्वायर्ड सीन्स शूट कर लिए जाए। देखते हैं कि क्यूबा, इटली आदि स्थलों पर शूट करने के लिए टाइगर 3 अगस्त में इंडिया से रवाना होती है या नहीं। फिल्म की रिलीज 2022 के एंड या 2023 के मिडिल तक उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है भाईजान एक बार फिर से 2023 की ईद का तोहफा तैयार कर धूमधाम से टाइगर 3 को रिलीज करें। फिल्म की रिलीज और इंटरनेशनल शूटिंग स्पॉट से जुड़ी अन्य खबरें बताएंगे हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए देखना ना भूलें बॉलीवुड स्टूडियोज के सारे वीडियोज। और लाइक एंड शेयर करें आज की वीडियो और कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आपको कब तक रिलीज होगी टाइगर 3। हम लेते हैं आपसे तब तक के लिए अलविदा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है भूमिका त्रिपाठी ने। दिस इज अनविता साइनिंग ऑफ। सायोनारा।